Hello everyone, we welcome you all to the UGC Net Management series in which we will be conducting quiz number 3. देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में देखेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अटेम्प्ट नहीं किया है तो उससे रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं हमारी, सो दैट आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएं। अगर आपको यूजीसी नेट मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स पैक चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर रेगुलर क्विजेस तो आप वो भी ज्वाइन सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए आज हम क्विज नंबर 3 अटेम्प्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए सबसे पहले हम वेबसाइट पर जाके क्विज सेक्शन में जाएंगे और वहां पे यूजीसी नेट पे क्लिक करेंगे और यहां पे डे नंबर 3 की क्विज पे आएंगे और क्विज को स्टार्ट करते हैं। आपको बिगिन करना है क्विज और देखिए यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है। हर एक क्विज के अंदर आपको 5 क्वेश्चंस गिवन है, सो आप डेली उन्हें अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सीरीज आपको हर अल्टरनेट डे पे अवेलेबल कराई जाएगी सो दैट आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर आप रेगुलरली इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आप दिसंबर वाला JRF इजिली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विच अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी इज कंसिडर्ड एज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। सो देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी रिफाइंड फॉर्म है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का। देखिए पहले आई थी क्लासिकल थ्योरी, फिर ह्यूमन रिलेशन और उसके बाद जो मॉडर्न थ्योरी आई, तो उसमें से कौन सी रिफाइंड फॉर्म है ह्यूमन रिलेशन की, तो वो है हमारी बिहेवियरल साइंस अप्रोच। देखिए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंदर केवल ह्यूमन एलिमेंट पे फोकस किया गया, क्लासिकल थ्योरी में साइंटिफिक अप्रोच पे फोकस किया गया और जो बिहेवियरल साइंस अप्रोच थी इसके अंदर ह्यूमन अप्रोच एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच दोनों को फोकस किया गया। सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, बिहेवियरल साइंस अप्रोच। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। सो देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर जैसे कि सबसे पहला है जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आया, फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, फिर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं। सो आपसे ये पूछा गया है कि यूनिटी ऑफ कमांड कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे अप्लाई नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड होता क्या है। सो देखिए यूनिटी ऑफ कमांड की अगर आप समझना है तो देखिए ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट होता है। टॉप मैनेजमेंट जो भी ऑर्डर देता है उसको सबऑर्डिनेट्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपका आएगा टॉप मैनेजमेंट और फिर यहाँ पे आते हैं आपके सबऑर्डिनेट्स और सबऑर्डिनेट्स के जो सबऑर्डिनेट्स यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, ये फॉलो करते हैं। सो देखिए यहां पे कह रहा है यहां पे एक यूनिटी ऑफ कमांड है यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट की डायरेक्शन है उसको मिडिल मैनेजमेंट फॉलो करेगी और जो मिडिल मैनेजमेंट की डायरेक्शन है उसको वर्कर्स फॉलो करेंगे। सो देखिए यहां पे यूनिटी ऑफ कमांड बनी है मतलब कि आपको एक ही मैनेजर की आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी है। सो इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वायलेट करता है, इसके अंदर आपका आंसर जो होगा वो होगा C&D, दैट इज मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको समझ लेते हैं इसका आंसर ये आया कैसे। देखिए अगर लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लाइन का मतलब क्या होता है, क्लियर लाइन एक होती है, यहाँ पे एक मैनेजर होगा ये आपको ऑर्डर देगा, फिर दूसरा मैनेजर इसको फॉलो करेगा, फिर तीसरा आएगा। सो ये एक लाइन स्ट्रक्चर बन रहा है। लाइन एंड स्टाफ क्या होता है, यहाँ पे जो मेन मैनेजर होंगे इनके साथ एक स्टाफ भी होगा जो इनको गाइड करेगा। सो देखिए यहाँ पे इनकी केवल हेल्प कर रहा है जो सबऑर्डिनेट हैं लेकिन इनको जो डायरेक्शन देने वाला है वो केवल एक ही मैनेजर है, दैट इज अगर मान लीजिए ये ए मैनेजर है ये बी मैनेजर है। सो जो बी को मैनेजर डायरेक्शन दे रहा है वो केवल ए दे रहा है। यहाँ पे जो इनका स्टाफ होगा, बी का जो स्टाफ होगा वो केवल हेल्प करेगा बी की, ना कि उनको डायरेक्शन देगा। सो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो की जा रही है लाइन एंड स्टाफ में भी। अगर देखिए मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस टाइप का होता है, मैट्रिक्स की तरह होता है, यहां पे इस टाइप से बनेगा ये। देखिए अगर ये मैट्रिक्स की बात करें तो यहां पे इन्हें ऊपर से भी ऑर्डर मिल रहे हैं और यहां से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। सो देखिए यहां पे इनको ऊपर से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, यहां से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, तो ये हर एक डायरेक्शन में चल रहा है, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म बना देता है। सो देखिए यहां पे कोई भी क्लियर नहीं है कि मान लो कि ए को कहां से डायरेक्शन मिल रही है, बी को कहां से डायरेक्शन मिल रही है, सी को कहां से डायरेक्शन मिल रही है। सो ये एक मैट्रिक्स बना हुआ है। सो यहां पे यूनिटी ऑफ कमांड है वो कंप्लीटली वायलेट होता है। सो यहां पे आंसर जो होगा आपका सी होगा, तो सी तो करेक्ट है। चलिए डी पे आते हैं। देखिए डी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, देखिए
जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन पर्पज है उसके अलावा भी मैनेजर कुछ और प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है ये प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी कुछ काम संभाल रहा है, सो यहाँ पे उसके पास दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको दो दो मैनेजर्स की बात माननी पड़ रही है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉई है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है और ये सेल्स डिपार्टमेंट है, सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है और सेल्स डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है, सो यहाँ पे क्या होगा, इनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है उसकी भी बात माननी पड़ेगी और जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है उसकी भी बात माननी पड़ेगी। सो यहाँ पे ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, सो यहाँ पे भी यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ के क्योंकि देखिए यहाँ पे एक मैनेजर की बात को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे उसको दो दो मैनेजर्स की बात माननी है, तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो रहा है, कंप्लीटली वायलेट हो रहा है, सो यहाँ पे इसका आंसर डी भी है। चलिए अगला देखते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब देखिए अगर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का कोई एक हेड होता है, हेड ऑफ प्रोजेक्ट, और उसके अंदर कई सारे वर्कर्स होते हैं, वर्कर वन, वर्कर टू, वर्कर थ्री, वर्कर फोर, सपोज कई सारे वर्कर हैं, तो देखिए एक वर्कर को एक ही हेड की बात माननी है, यानी कि प्रोजेक्ट का जो हेड है, प्रोजेक्ट का मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको बोलते हैं, सो यहाँ पे एक ही यूनिटी ऑफ कमांड हो रही है क्योंकि यहाँ पे एक ही हेड है, तो यहाँ पे ई भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो है सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट। सो एक्सटर्नल थ्रेट की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल थ्रेट कहां से आता है, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है। सो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपको गिवन है, न्यू ट्रेड रेगुलेशन, सो देखिए अगर ट्रेड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है सो ये आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन है, सो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नली आ रहा है, सो ये इसका आंसर ए तो है। चलिए और ऑप्शन भी देख लेते हैं, ग्लोबल सेल्स पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल तो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कि ऑर्गेनाइजेशन का पोटेंशियल है या नहीं है सेल्स के लिए, सो इसका आंसर बी जो है नहीं है, एक्सटर्नल थ्रेट की बात हो रही है लेकिन पोटेंशियल तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसका ऑप्शन बी नहीं होगा। सी की बात करें अगर हम तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती जाएगी, सो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही होता है, जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करेगी उतनी ज़्यादा उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगी, तो ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि सी इसका ऑप्शन नहीं है। चलिए अगर डी की बात करें तो डिक्रीज कंपटीशन, अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के विदिन नहीं होता है, बट यहाँ पे देखिए डिक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन डिक्रीज हो रहा है यानी कि ये अपॉर्चुनिटी है ना कि थ्रेट है, तो यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल थ्रेट की बात की गई है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। चलिए ऑप्शन नंबर फोर देखते हैं, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बुक रिटन बाय, तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बुक किसने रिटन की थी, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो पीटर एफ डकर। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैनेजीरियल ग्रिड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, तो मैनेजीरियल ग्रिड थ्योरी किसने दी थी, देखिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको खुद कमेंट में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप इसका आंसर कमेंट में करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और क्विज अटेम्प्ट करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा कोर्स पैक है मैनेजमेंट का, इसके अंदर हम एक हर एक जो टॉपिक है इसका डिटेल डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सो अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेली बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनती जाए। थैंक यू।